वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट पेश करने के बाद आम बजट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये बजट देश को बेचने वाला बजट है। सभी सरकारी चीजों को धीरे धीरे बेचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला। स्पेशल पैकेज तो काफ़ी दूर की बात है, जबकि बिहार को इस बजट में कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आम बजट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज देश के संसद में बजट पेश किया गया और मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग हैं, वेयर हाउसेज हैं, जो देश की संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है। आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया, भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया। बिहार को पूरी तरीके से ठगने का काम किया गया और अद्भुत है, जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते हुए 39 सांसद हैं वो टेबल थपथपा रहे थे। बिहार को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है, लेकिन कोई एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहत या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को हम लोगों को खुशी होती, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथ ही हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग? क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली, सहयोग मिली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में? पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया। बिहार की क्या दयनीय स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है। धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेष अतिरिक्त बोझ डीजल पे बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद, ये समझ में नहीं आ रहा। खामोशी शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया। ना कोई कारखाना, ना कोई उद्योग, ना रोजगार की चर्चा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, कोई ना एग्रीकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं
जहाँ बिहार को कुछ मिला हो। आप लोग याद कीजिए वो दौर जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते, इसमें तो रेलवे गायब ही हो गया। रेलवे को इसलिए गायब किया गया क्योंकि ये लोग लालू जी की तुलना नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से आदरणीय लालू जी ने रेलवे को चलाने का काम किया। हर एक साल 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया था, और ऐसे में दिया था जब हर साल जो है किराया कम किया जाता था। यही बिहार को लालू जी ने 3-4 कारखाने रेलवे ने उस समय बिहार को देने का काम किया। आज कहाँ है, क्या मिल रहा है बिहार को? और वो तब था जब यहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार थी, बिना पक्षपात किए हुए। विशेष पैकेज 1,25,000 करोड़ का भी यूपीए के समय में बिहार को लालू जी ने दिलवाने का काम किया। आज तो हम लोग सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिल रहा है बिहार को। 39 सांसद जीत करके गए हैं, केवल ताली पीटने गए हैं या बिहार के लिए आवाज़ उठाने गए हैं? आज दुर्भाग्य है जो लोग भी जीत करके थाली पीट टेबल पटपटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से देश की जनता निराश है, आम नागरिक निराश हैं, परेशान हैं, और पूरी तरीके से उन पे जो है अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। कई राज्यों में सड़कें बनाने की बात कही गई है, कोलकाता, असम, क्या लगता है जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, ये एक दिन से घोषणा की गई है? अब देखिए, इसमें समझदार को समझाने का कोई मतलब नहीं। सब लोग, आप लोग समझदार हैं और सब लोग समझते हैं। चुनाव हाँ समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हैं उसका बार बार चीख चीख के नाम लिया गया, ये स्वाभाविक है ना। बिहार में भी वैक्सीन सबको मिल रहा था फ्री में, 19 लाख रोजगार जो है सभी लोगों को बिहार में मिल रहा था। आप तो इसकी चर्चा नहीं कीजिए, क्योंकि उनके अनुसार तो वो चुनाव में जुमला होता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ केवल घोषणाएं की गई हैं, काम नहीं करना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही बीजेपी और एनडीए सरकार का काम है। यहाँ भी लोगों को ठगा गया, क्या क्या नहीं कहा गया था कि क्या नहीं करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक नई यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है। ना कोई अच्छे अस्पताल, ना कॉलेजेस, ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, कुछ भी अलग बिहार में नहीं है। बिहार के लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है। हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं, ये बजट बजट ही नहीं बल्कि सेल था। ये देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बेचने का बजट और सेल था।